यह कहानी हजारों साल पुरानी, जब भगवान विष्णु का वरा अवतार था और भू देवी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर वह चतुर और बलवान राजा था। इसके साथ साथ वह अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था। कहते हैं उसकी प्रजा उससे सदा खुश रहती थी और उसकी हमेशा जय जयकार करती रहती थी। बाद में नरकासुर धीरे धीरे अहंकारी और अत्याचारी हो गया। वह अपनी प्रजा को बहुत सताने लगा। तब भगवान विष्णु और भू देवी धरती पर कृष्ण और सत्यभामा के रूप में आए। उस समय एक भीषण युद्ध हुआ। नरकासुर की सेना को हरा दिया। परंतु भगवान कृष्ण जानते थे नरकासुर को वरदान मिला है कि उसे उसकी माँ के अलावा कोई नहीं मार सकता। तब वह अपनी पहली ही बार में बेहोश हो गए। उसको बता दे तुम्हें क्या एक्ट करना है। इसी अवसर पर उन्हें क्रोध आया। हेलो और उन्होंने नरकासुर को मार गिराया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और पृथ्वी पर न्याय की स्थापना हो गई। बाद में मरते हुए नरकासुर ने देवी सत्यभामा से प्रार्थना की कि संसार के लोग मुझसे नफरत ना करें। तब माता ने उसे वरदान दिया कि सदियों तक तुम्हें नरक चतुर्दशी के दिन धरती के लोग खुशी खुशी याद करेंगे। और तब से ही नरक चतुर्दशी मनाई जाती है।